ओके जी, सो फाइनली वी आर इन द जिम और आफ्टर वार्म अप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये होता है कि मैं डायरेक्ट गेम स्टार्ट कर देता हूँ लेकिन वार्म अप के जो क्लिप्स हैं ना वो नहीं बनाता। तो नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ आए ना उसके अंदर हम वार्म अप की जो है ना रूटीन वो भी एडअप करें, खासतौर पर जो बेसिक वार्म अप है ना किसी भी प्रेसिंग मूवमेंट के अंदर आपका कोई तो शोल्डर रोटेटर कफ ये वो सारा कुछ इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट अगर आप लेते हो तो उसके अंदर जो मेरी मोस्ट फेवरेट वार्म अप किंग है ना मैं वैसे वर्बली बता देता हूँ, उसमें एक्सटर्नल रोटेशंस मतलब इस पोजीशन के अंदर, हाफ पोजीशन के अंदर और इस पोजीशन के अंदर, मतलब इसको आप 90 डिग्री का एंगल कर लो बॉडी के साथ, इसके अंदर ये एक्सटर्नल रोटेशंस और इंटरनल रोटेशंस, ठीक है, ये और इसके साथ साथ सर्कुलर मूवमेंट्स दोनों साइड पे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जो गेम मैंने उस दिन लगानी है, फॉर एग्जांपल चेस था, चेस की जो भी पहली गेम मैंने लगानी है आज हम लगा रहे हैं इंक्लाइन प्रेस डंबल्स के साथ या बारबेल के साथ। वैसे फेवरेट मेरा ये है कि बिल्कुल खाली बारबेल या उसके ऊपर हल्का सा वेट कोई 2.5 kg की प्लेट या 5 kg की दोनों साइड पर डाल के उसके 40 से 50 रेपिटेशंस, वो भी स्ट्रेच पोजीशन के अंदर, मतलब इस पोजीशन के अंदर पार्शल्स, जिसके अंदर जो मसल है ना उसके फाइबर जो है वो इंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाएँ और माइंड मसल कनेक्शन जो है ना वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाए कि जी आज हमने ये काम करना है और हमने इसे फलां फलां हिस्से को हिट करना है। तो इससे ना सिर्फ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा बल्कि इंजरी प्रोन जो होता है ना मोस्टली इतना होता है कि आफ्टर लिफ्टिंग फॉर सम टाइम और अगर हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल रेगुलरली और अगर नहीं भी कर रहे तो आपकी बॉडी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा शो कराने लग जाती है बिकॉज इट्स अ मशीन है ओवरऑल। तो इसलिए एक तरह का जो वार्म अप जो है ना वो ज़रूरी है। इवन कि हम गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो वो कहा जाता है कि जी गाड़ी में बैठते ही जितना अब्बा जी कहते होंगे तुम्हारे भी कि बैठते ही भाई थ्रॉटल दे के तो बजाने ना लग जाया करो, पहले वार्म अप थोड़ा सा दे के उसे थोड़ी देर स्टार्ट रख के फिर उसके बाद करना। ऑल्दो कि न्यू कार्स में इतने ज़्यादा मैटर नहीं करता लेकिन पेट्रोल कार्स के अंदर जो है वो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, लेकिन हम जो हैं बजे पुराने बंदे हैं तो इसलिए एनीवे जो स्टार्ट करते हैं 25 से फर्स्ट सेट, लेट्स गो। ओके तो अच्छा शोल्डर के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरा फोकस हर गेम के अंदर इसलिए होता है क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो है ना एक तरह का समझ लो कि फ्री जॉइंट है, इसकी प्रोटेक्शन भी मसल्स की ना उस लिहाज से ओवरलैपिंग इसके ऊपर नहीं है तो इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इसकी मूवमेंट भी मतलब आप समझ लो हर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है तो एक तरह का बिल्कुल ना फ्री जॉइंट है तो इसलिए जिस तरह अभी हम प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे थे तो हाँ पता नहीं नोट किया कि नहीं किया आपने, जिम आ जाते हैं लेकिन इनसे जो है ना वो क्लिप उठा के करना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज बाद में ये कह रहा था कि प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे थे तो मोस्टली जो चेस्ट की मूवमेंट होती हैं उसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेरी एल्बो है ना वो थोड़ी सी इनवर्ड टर्न हो जाए या ज़्यादा ईजी है तो वेट थोड़ा सा जो है ना वो अंदर की तरफ टर्न हो जाए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे इस तरह फील होता है कि शोल्डर विद चेस्ट विद ट्रैप्स सारा एक जो है ना ये मतलब मिक्सचर बना के बड़ा एक कॉम्पैक्ट सी जो है ना फॉर्म बना लेता है, सॉलिडिफाई हो जाती है और वो मूवमेंट में ना वो इतनी टेंशन नहीं रहती कि यार थोड़ा सा अगर आउटवर्ड इस तरह भी होता है मतलब स्वे करता है हैवी वेट है ऑब्वियस ही बात है तो कोई मसला होगा तो ऐसा चक्कर जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है काफ़ी हद तक। और लोग एवर सजेस्ट कि अगर बहुत हैवी वेट लगाने लगे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लिमिट है 30 kg को लिफ्ट करना, ठीक है, और आप लगाने लगे हो 40-45 तो आई वुड सजेस्ट एक तो ग्रिप्स रिस्ट ग्रिप्स और दूसरा कोई ना कोई अपना बड़ी वगैरह दोस्त वगैरह अपने साथ रखो ताकि हु नोज एक सेकंड लगता है लेकिन हम जितना अवॉइड कर सकते हैं हम उतना तो करें ना। मूव करते हैं जी नेक्स्ट पे 27.5 लेट्स गो। Yeah.
अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना चेस्ट मूवमेंट के अंदर ना इस गर्दन जो होती है थोड़ी सी आगे की तरफ उठी होती है, उसको बुरा समझते हैं। वेजिस इन माय केस, अगर मैं अभी तक अपना एक्सपीरियंस बताऊं जितना भी है, मुझे ऐसे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कभी। मतलब आई डोंट नो व्हाई, वो लोग कहते हैं नहीं पीछे रखना चाहिए सर को, उससे ज़्यादा एंगेजमेंट होती है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस। तो इट्स रियली अप टू हर बंदे की, मतलब एनाटॉमी और बॉडी के लिहाज से। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हम सुने उसको अप्लाई भी करें। तो इसलिए जिसमें आप इजी हो, एज लॉन्ग एज के वेट लग रहा है, बॉडी को कोई इशू नहीं हो रहा और यू आर फीलिंग द बर्न, इट्स ओके। इसके बाद जी हमारा थर्ड सेट होगा और ट्राई करेंगे ये 30, और उसके बाद फिर मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट गेम पे। इनको आई थिंक एक साथ ही अब रखेंगे वापस। पहले दो सेट में जज्बात में मुझे ये भूल गया कि मैंने कैमरे का एंगल भी चेंज करना था, एक ही एंगल पे दो खड़का दिए। एनीवे जी, वेट हमने इंक्रीज़ कर लिए और आई नो कि डंबल्स की मंडी लग गई है, लेकिन डोंट वरी, गेम के एंड पे आई विल पुट देम बैक बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी वन ऑफ द डूशीज जो कि गेम वेट लगा लेते हैं लेकिन उनसे वापस रखना जाना अजाब होता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये होता है कि मतलब मुझे ये प्रेफरेबल चीज़ लगती है कि मतलब आपके जो डंबल्स हैं ना वो आपके बिल्कुल सामने फ्रंट रोज के ऊपर लगे हों। मतलब अगर ये मेरा फेस इस तरफ है मिरर की तरफ, तो इसी तरफ रैक है, और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है। उसकी रीज़न ये होती है कि व्हेन यू वांट टू लिफ्ट हैवी, तो आपका माइंड ये होता है कि यार ज़्यादा कम से कम जो है ना मुझे वॉकिंग डिस्टेंस मिले और मैं ना उठा के वापस रख दूँ। लेकिन इधर ये सीन है कि यहाँ से लेके वो उधर तक जाना पड़ता है, तो फार्मर वॉक हो जाती है। वेट इज़ ऑल्सो ओके, समर है तो हम ऐसे ही जा रहे हैं कि वेट हमारा जो है वो डाउन जाए, तो एक तरह का कार्डियो ही सही। एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेफरेंस की, मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट सेट पे। ट्राई करेंगे जी मैक्सिमम जितना भी फेलियर तक ले जाएं, और पार्शियल रेपिटेशन जो है ना लाजमी एड अप करेंगे। लेट्स गो। मूव कर देंगे नेक्स्ट गेम के ऊपर। ओके जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गेम। नेक्स्ट गेम असल में सुपर सेट होगा दो गेम्स का। सुपर सेट मीन्स कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमने कंपाउंड मूवमेंट्स, कंपाउंड कह रहा हूँ, हमने टू मसल ग्रुप्स जो है ना, टू या टू से ज़्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व करने हैं सेम रो के अंदर। मतलब कि सेट, दोनों सेट्स के दरमियान में कोई भी रेस्ट नहीं होगा। तो प्रेसिंग प्लस यूनिलेटरल, क्या कह सकते हैं ऐसे, यूनिलेटरल चेस्ट प्रेस और बाइलेटरल चेस्ट प्रेस, लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट होगा, कैसे वो देखते हैं अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नहीं बाइलेटरल। लेट्स गो। सेकेंड का एंगल देख लें, आई थिंक सो ठीक ही है। ओके जी, यूनिलेटरल नेक्स्ट प्रेस
वेट बहुत ज़्यादा है। ओके जी, अब डिफरेंस क्या है जी इन दोनों में और हमने क्यों ये इस तरह किए हैं। सीन ऐसे है कि जो फर्स्ट हमने 10 मिनट बायलेटरल किया ना, उसके अंदर ओवरऑल चेस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ, मतलब कि फ्रॉम द स्टर्नल पोर्शन से लेकर हमारा जो आउटर पोर्शन है चेस्ट का, दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्लेविकुलर पोर्शन, नाम याद नहीं आ रहा था, थोड़ा सा तो मैं साइंस भी सिखा दूँ, खुद को नहीं आती बेशक, लेकिन कोई बात नहीं। जबकि जो हमने दूसरा सेट लगाया उसके अंदर हमारा जो मिडल चेस्ट का ना, मतलब ये वाला एरिया स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और ये जो सेकंड गेम है ना, ये मेरी फेवरेट है ख़ास तौर पे मिडल चेस्ट की लाइन लेके आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि मिडल चेस्ट क्लास ग्रो नहीं कर रही होती, तो जो लाइन है ना चेस्ट की वो विजिबल नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट कि जो सेकंड सेट है, अगर आपने सुपर सेट नहीं भी करना फॉर एग्जांपल, तो सेकंड सेट जो ना लास्ट में अपनी गेम के अंदर ऐड करो, और विद इन लाइक अ मंथ, ठीक है, यू विल सी द डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस, डिपेंडिंग ऑन कि आप लगा कैसे रहे हो। एक बात सबसे अच्छा भी इसका ये है कि यहाँ हाथ रख के फील किया करोगे चेस्ट के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उस पोर्शन पर जहाँ चाहिए आपको। सेकेंड इज पार्शल्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये नहीं है कि पहला जो एक ब्लेड लगाई थी वो उसको पूरा महीना गुजार दिया, आहिस्ता आहिस्ता वेट भी इंक्रीज करते जाना। एनीवेज जी, लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेट। मिडल चेस्ट के ऊपर जो है ना, वो ऐसे इतने ज़्यादा हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत स्पेसिफिक आइसोलेट करके फाइबर को हिट करना है, इसलिए ओके जी, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट गेम, उसके हमने लगाए हैं तीन, मतलब कि ओवरऑल अगर सुपर सेट की बात करें तो 6 सेट्स हैं ना उसके लगाए हैं हमने। हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट गेम के ऊपर, रिस्पेक्ट डेक, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट गेम होगी, क्योंकि आई थिंक वी हैव हिट द ऑल द हेड्स ऑफ चेस्ट जितने भी हमें रिक्वायर्ड थे, जिस पॉइंट पर हमने हिट करना था। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पैक डेक, लेट्स गो। Ugh.
क्योंकि ज़्यादा ये पीछे है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है। ऑल्दो के स्ट्रेच इज़ द मेन थिंग जो कि मुझे पसंद है, लेकिन शोल्डर के ऊपर ओवर स्ट्रेच है ना, इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो नॉर्मल स्ट्रेच इज़ मोर देन इनफ स्पेसिफिकली इस गेम के अंदर। ओके जी, वी आर डन विद टुडेस चेस्ट वर्कआउट। अब करते हैं लाइट सी पोजिंग एंड देन विल बी गुड टू गो। सबसे पहले साइड चेस्ट, फ्रंट डबल बाइसेप, वी हैव ग्रॉन और मिडल लाइन जो है ना काफ़ी हद तक, आई डोंट नो नज़र आ रही है कि नहीं अब, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन गेम। तो ये थी आज ही हमारी चेस्ट वर्कआउट, मेरा पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू टेक योर पोस्ट वर्कआउट मील शेक वट एवर जो भी, लेकिन 45 मिनट की गोल्डन विंडो के अंदर। मिलते हैं कल, कल होपफुली हमारा होगा बैक डे, लेट्स गो।